गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू बेटा? फाइन, ओके। सो अच्छा, आपको आज कैसा लग रहा है स्कूल में? आपको पढ़ना अच्छा लगता है? स्कूल में जाना अच्छा लगता है? नहीं? अच्छा, खेलना अच्छा लगता है? हाँ, खेलना तो सबको अच्छा लगता है। पार्क में जाना, घूमना, वो सबको अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन हमें थोड़ी सी स्टडी भी करनी चाहिए, ठीक है। बट स्टडी हम खेल खेल में ही करेंगे, है ना। प्लेइंग मेथड, प्लेइंग करते करते जब हम करेंगे स्टडी, तो मैं बच्चों को आपको याद भी रहेगी, है ना। तो स्टार्ट करें। व्हाट इज दिस? एप्पल। ए फॉर एप्पल। ओके, नेक्स्ट बी। बी फॉर बॉल। बी फॉर बॉल। बी फॉर बॉल। सी। सी फॉर कैट। क क कैट। क क कैट। डी फॉर डॉग। डी फॉर डॉग। ड ड डॉग। ड ड डॉग। ड ड डॉग। यस, डी फॉर डॉग। तो हमने ABCD की है और उनकी पिक्चर्स बनाई है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आओ आपको बताती हूँ। तो मैम ने यहाँ पे देखो ABCD रखा है, ठीक है। अब मैम ने यहाँ पे इसको ऐसे रखा है, ठीक है। अब आपने मैचिंग करनी है। ए के साथ आपने एप्पल लगाना है, बी फॉर बॉल के साथ बी से क्या होता है वो लगाना है, देन सी के साथ, देन डी के साथ, ओके। सो हम देखते हैं, ए ए के साथ क्या मैचिंग होगी? कैट? नहीं। डॉग? नो। बॉल? नो। एप्पल? यस। ए फॉर एप्पल। तो ए के साथ हमने एप्पल रख दिया। अब बी फॉर क्या होता है? कैट? नहीं। डॉग? नो। बॉल? यस। बी फॉर बॉल। बी फॉर बॉल। अच्छा, सी फॉर क्या होता है? सी फॉर डॉग होता है? डॉग होता है? नहीं। सी फॉर कैट होता है? यस। सी फॉर कैट। सी फॉर कैट। ओके, नेक्स्ट बताओ, डी फॉर? डी फॉर क्या होता है? डॉग। यस, डी फॉर डॉग। डी फॉर डॉग। तो ये देखो, हमने यहाँ पे ये अरेंज कर दिए इसके साथ के, ठीक है। ऐसे ही आपने और अल्फाबेट्स बनाने हैं मम्मा के साथ, और आपको अभी मैम भी आप देंगे आपको और अल्फाबेट्स, तो आपने उसके मैच करके उनकी पिक्चर्स फाइंड आउट करनी है। तो मैम आपको लेटर्स देंगे और ये आपने पिक्चर्स फाइंड करनी है, ओके। तो कैसी लगी आपको ये एक्सरसाइज? अच्छी लगी एक्टिविटी? ओके, अच्छी लगी है। चलो एक और सॉर्टिंग करें। ये भी सॉर्टिंग होगी ना, अगर मैम आपको ये एक बाउल में डाले सारे और आपको निकालने पड़े। देखो, बॉल 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 कहाँ है? आपने बॉल के साथ रख दी। फिर आपने बॉक्स में से कुछ और उठाया, क्या है ये? एप्पल। तो आपने ए के साथ रख दिया एप्पल, ठीक है। तो ऐसे ही अब आप एक और एक्सरसाइज करेंगे जिसको आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखो, अब हम एक और एक्सरसाइज करेंगे। अब मैम के पास क्या है? देखो, बटन्स हैं। इसमें कुछ बटन स्मॉल हैं, कुछ बटन्स बिग साइज के, है ना, स्मॉल एंड बिग साइज बटन्स। तो आपने क्या करना है, जो स्मॉल बटन्स हैं उनको एक अलग बाउल में निकालना है, और जो बिग बटन्स हैं उनको अलग बाउल में निकालना है, ठीक है। सो लेट्स कम हियर। आई हैव दीज टू बाउल्स, ठीक है। आई विल सेपरेट आउट दीज बटन। ये बिगर वन, देन दिस बिगर वन, देन दिस स्मॉल वन, स्मॉल वन, स्मॉल। ये स्मॉल है? नहीं, बिगर है ना, तो इसको बिगर में डालेंगे। दिस वन बिगर। अच्छा, तो इनको मैं बिगर में डाल दूं? ये वालों को डाल दूं बिगर? नहीं, ये तो स्मॉल है ना, तो स्मॉल में डालेंगे। स्मॉल स्मॉल है या बिग है? बिग, तो हम इसको बिग में डालेंगे। अब देखो, इसमें हमने बिग्स वाले डाल दिए और इसमें स्मॉल वाले बटन डाल दिए, ठीक है। तो हमने इसको सेग्रीग्रेट कर लिया, ठीक है। तो अच्छा लगा आपको?
ऐसे आप बहुत सारी चीजें लेके ना उसमें स्मॉल अलग बिग अलग सेपरेट करके एक अच्छी सी बना सकते हो सिमेट्री, है ना। सिमेट्री होता है यानी एक मैचिंग करना, ठीक है। आपके पास कलर्स है, मान लो आपके कलर्स मिक्स है, बीच में स्केच कलर्स है, बीच में आपके क्रेयॉन्स है, बीच में पेंसिल कलर है, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो आप क्या करोगे, 3 बाउल्स लोगे, उसमें सेपरेट करोगे, क्रेयॉन्स में एक में डालोगे, एक में स्केच कलर्स डालोगे और एक में पेंसिल कलर्स डालोगे, ठीक है। ताकि आपको इजीली आप उस चीज को असेस कर सको, आपको इजीली वो चीज मिल जाए। अगर आप इतने सारे कलर में कहोगे कि मैंने पेंसिल कलर लेना है येलो, तो आप ढूंढते रह जाओगे कहाँ गया। अब आपको पता है कि सारे पेंसिल कलर यहाँ पड़े हैं, तो आप उसमें से कोई भी कलर जो आपको चाहिए वो चूज कर सकते हो, ठीक है बेटा। अच्छा लगा आपको? हाँ बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको कोई भी चीज फाइंड आउट करनी इजी हो जाती है जब उसको आप उसके साइज के अकॉर्डिंग या उसकी मैचिंग के अकॉर्डिंग सेपरेट करते हो। ऐसे ही बेटा देखो, अगर आपके पास बहुत सारे कलर्स हैं और उन कलर्स को आपने सेपरेट करना है कि येलो अलग कर दिए, ग्रीन अलग कर दिए, ब्लू अलग कर दिए, ठीक है, तो वो भी क्या है, एक सॉर्टिंग है कि ताकि आपको कोई भी कलर चाहिए आप जल्दी से ले लो, येलो यहाँ पड़ा है, ब्लू यहाँ पड़ा है, ग्रीन यहाँ पड़ा है, ठीक है। तो आपको अच्छा लगा? ओके, चलो आपने घर पे भी, अब कोई भी आपका ऐसा सामान पड़ा है जैसे आपके घर पे, देखो आप घर पे कैसे कर सकते हो, आपकी अलमीरा है, अलमीरा में कोई बॉक्स है, वहां पे आपके सॉक्स भी पड़ी हैं, आपके हैंकीज भी पड़े हैं, ठीक है, आपके मास्क भी पड़े हैं, तो आप क्या लोगे, 3 बास्केट्स लोगे, उनको आप अपने ड्रॉअर में अरेंज कर लोगे, तो तीनों बास्केट्स में तीनों अलग अलग चीजें डालोगे, ताकि आप जब आपको जल्दी जल्दी स्कूल आना है या जल्दी जल्दी कहीं जाना है, तो आप क्या करोगे, फटाफट यहाँ हैंकी है, हैंकी उठा लिए, यहाँ सॉक्स है, सॉक्स उठा लिए, यहाँ मास्क है तो मास्क ले लिया, इजी हो गया ना। तो ये होता है इजी करने के लिए, ठीक है। अच्छा लगा आपको, तो घर पे ट्राई जरूर करना अलमीरा में। ओके बेटा, ओके, बाय बाय, टेक केयर।